Hi everyone, welcome back to my channel Shystyles and welcome back to hashtag Shadi Saga series. So, आज का लुक बहुत ही ब्यूटीफुल रॉयल एंड एलिगेंट लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. ये ब्यूटीफुल सा गोल्ड एंड बर्गंडी लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो आई होप पसंद आएगा आपको. अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक ज़रूर करिएगा. तो मैं सबसे पहले यूज़ करी यहाँ पे रोज़ हिप ऑयल गुड वाइब्स का, मेरा फेवरेट ऑयल है ये. तो उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले आई मेकअप, क्योंकि मैं यूज़ करने वाली हूँ ग्लिटर जो कि फॉल होते हैं. तो इस तरीके के मेकअप के लिए सबसे पहले आई मेकअप ज़रूरी है. तो आई बेस के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एलेगल का प्रो एचडी कंसीलर इन द शेड नेचुरल, और उसे मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड आउट कर लूँगी. तो एक अच्छा आपको बेस मिल जाएगा जिससे आपके कलर पॉप होंगे. उसको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो क्रीज ना करे. तो मैंने लॉरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट लिया है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का पैलेट ले रही हूँ गाइज. ये बहुत ही प्यारा वार्म शेड है इसके अंदर. तो उसमें से मैंने ये ब्राउन शेड लिया है एक फ्लैट शेड ब्रश की हेल्प से, जिसे आप देख सकते हो मैंने आउट ऑफ वी पे प्लेस किया है. एंड देन उसी शेड को प्लेस करते हुए मैं लोअर लैश लाइन और अपने क्रीज में बफ कर रही हूँ. देन अगेन मैं एक स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और देन ऑरेंजी शेड को ले रही हूँ मैं. तो ये काफ़ी प्यारा सा टैंजरीन ऑरेंजी ब्राउन कलर मैं अपनी क्रीज में बफ कर रही हूँ, और मैंने कुछ इस तरीके का आई लुक क्रिएट किया है एज यू कैन सी. और साथ ही साथ लोअर लैशेस पे भी लैश लाइन के क्लोज ही अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट हम प्लेस कर रहे हैं ग्लिटर. तो मैंने यूरोप गर्ल पैरिस का ये प्रेस ग्लिटर पैलेट लिया, जिसमें से मैं ये गोल्डन शेड ले रही हूँ. इसके लिए आपको कोई ग्लू की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी अच्छे ग्लिटर्स हैं, पैट हो जाते हैं. तो मैंने कट क्रीज काइंड ऑफ अ ड्रॉ किया, एग्जैक्टली कट क्रीज नहीं है बट मैंने उतनी ही लाइन में, हाफ लाइन में ही अप्लाई किया है. देन मैं सेम डार्क ब्राउन एंड टैंजरीन शेड को मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ. नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं फॉल्सीज, मैं ऑफ लाइन अप्लाई करूँगी. मैंने यहाँ पे लिया है कलर बार का मस्कारा. मस्कारा अप्लाई करने के बाद ही मैं अप्लाई करूँगी फॉल्सीज ऑफ कैमरा. ओके, तो मैंने अपने लैशेज लगा लिए हैं और यहाँ पे मैंने ओ लेंस के इन स्पेनिश रियल ऑलिव कॉन्टेक्ट लेंसेज पहने हैं जो बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं साई मेकअप को. उसके बाद जो भी फॉल आउट हुआ था मेरा ग्लिटर का, उसे मैंने क्लीन कर लिया है. एंड मैं यहाँ पे पर्पल एचडी का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ और ये मैटिफाइंग है, पोर को फिल इन करता है एज यू कैन सी. तो मैंने इसे प्रेस करते हुए उसके बाद पूरे फेस पे स्प्रेड किया है. देन यहाँ पे मैं यूज़ करी मेबेलिन फिट मी पोर प्लस मैट फाउंडेशन, जिसका कवरेज बहुत अच्छा है. मेरा शेड है 128 न्यूड बेज एंड सेम ब्रश की हेल्प से. और ये आई गेस मैं यूज़ कर रही हूँ, ब्रश के डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मुझे एक्चुअली याद नहीं है ये ब्रशेज में. उसके बाद मैं यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं हो रहे. देन यहाँ पे मैंने यूज़ किया स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो कि आपको कफ्स एंड लैशेस मिल जाएगा. और मैं हमेशा कहती हूँ आपको डेफिनेटली ये कंसीलर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है गाइस. ओके, तो इसे भी मैं सेम ब्लेंड कर लूँगी. एंड यू कैन सी के फेस का जो बेस है वो काफ़ी अच्छा फ्लॉलेस लग रहा है. ओ माई गॉड, फेस का बेस काफ़ी अच्छी मैंने लाइन बना ली. ओके, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये लॉरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट. एंड यू कैन सी आई डोंट हैव एनी डार्क सर्कल्स राइट नाउ, माई गॉड. एंड मेरा फेस का बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो लगाया है मैंने. सेट करने के बाद आप ज़्यादा कॉम्पैक्ट ना ही अप्लाई करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाएगा. नेक्स्ट मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस तरह से विंग लाइनर जैसा ड्रॉ कर रही हूँ लोअर लैश के लाइन पे क्लोज. बहुत ही कूल लग रहा है एज यू कैन सी. विंग मैंने लोअर लैश लाइन के क्लोज अप्लाई किया. ब्लश के लिए मैंने फेसेस का ब्लश लिया है, और ब्रॉन्जर के लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ ये फेसेस का ब्रॉन्जर. एंड गाइज, ये ब्रॉन्जर की फ्रेग्रेंस बहुत ही अमेजिंग है. इस तरीके से अगर आप शेप बनाते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ पे एग्जैक्टली ब्रॉन्जर अपना अप्लाई करना है. ब्रश को पिंच करके नोज़ को कॉन्ट्रोल कर रही हूँ, पाउडर कॉन्ट्रोल इस तरीके से करना है, बहुत ही हल्का ताकि ओवर ना लगे. बहुत ही प्यारा पिंकी सॉर्ट ऑफ अ ब्लश हाईलाइटर है ये. एंड सी ग्लो, मैंने फैन ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया है आफ्टर सो लॉन्ग. सो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ वेट नॉइल का ब्लॉसम ग्लो हाईलाइटर. नेक्स्ट ब्राउ को फिल इन कर रहे हैं. ब्राउज़ के लिए मैंने यहाँ पलाडियो की आईब्रो पेंसिल ली है, ये माइक्रो पेंसिल है. इसकी हेल्प से ब्राउ को जो भी स्पार्क एरियाज हैं उनको मैं फिल इन कर लूँगी. बहुत ओवर नहीं फिल करूँगी, बस नेचुरल लुकिंग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आई काफ़ी ड्रामेटिक लग रही है मेरी.
बट एट द सेम टाइम मैं काफ़ी सटल भी लग रही है। लिपस्टिक लिए मैंने यहाँ पे शेड लिया है XXX आई गेस, और ये है स्टेक वर्क की लिक्विड लिपस्टिक जिनका पूरा लिप स्वॉचेज रिव्यू एवरीथिंग मैंने शेयर किया था। एंड यू गाइस नो कि लिपस्टिक्स काफ़ी अच्छे हैं। ओके, मेकअप सेटिंग स्प्रे के लिए मैं यूज़ करी मेरे शाय स्टाइल्स का लॉकेट फॉरगेट इट मेकअप सेटिंग स्प्रे, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप सेटिंग स्प्रे है जो 399 का है। यू कैन बाय फ्रॉम माई वेबसाइट shaystyles.in। हेयर स्टाइल के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने कर्ल्स किए थे तो वो कर्ल्स अभी तक मेरे बालों में हैं, तो मैं मेसी बन थोड़ा सा बनाऊंगी, मैसी हेयर स्टाइल है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने पूरे बालों को ऊपर लेके जा रही हूँ और उसके बाद मैं एक रबर बैंड की हेल्प से अच्छे से टाई कर लूँगी एंड देन यू पिन की हेल्प से मैं बन बनाऊंगी, जो भी मैसी से बाल निकालूंगी, अपने फ्रंट में फ्लिक्स निकालूंगी इस तरीके से। कर्ल्स मेरे ऑलरेडी थे एंड आउटफिट जो है वो ब्लाउज मैंने लिया है अमेज़ॉन से, लिंक मैं नीचे दे दूंगी। ये ज्वेलरी भी अमेज़ॉन की है, लहंगा जॉम्सो का है, मैंने शेयर किया था तो उस लहंगे को मैंने वेयर किया है। सो दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक यू गाइज, जो कि परफेक्ट है एंगेजमेंट एंड सिस्टर वेडिंग में पहनने के लिए। अगर पसंद आया हो ये लुक तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। बाय गाइज।